हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करें सी लैंग्वेज मॉक टेस्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइम्स ग्लो फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूट। ये प्रोग्राम जो दिया है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे 0 टाइम या इनफाइनाइट टाइम्स या 10 टाइम या 1 टाइम, यहाँ पे आंसर एज होगा बी, इनफाइनाइट टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे हमें प्रोग्राम दिया है, इसका आउटपुट चेक करना, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा, कंपाइलर एरर होगी या 100 आए। यहाँ पे इंट मेन या कैर स्ट्रिंग स्मॉलर इंट ए एंड 100, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ग्रेटर। ग्रेटर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 दिया तो यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 100 आएगी, एक वैल्यू तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ पे कौन से ऑपरेटर का यूज किया, कंडीशनल ऑपरेटर का। यहाँ पे किसका यूज किया, कंडीशनल, जिसमें थ्री ऑपरेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कॉलन, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो ये किस एक्सप्रेशन में जाएगा, वह कंडीशन फॉल होती तो एक्सप्रेशन सेकंड वाले में जाती, कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट में आंसर देगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ग्रेटर। क्लियर। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती, 100 छोटा होता, यहाँ पे 200 दिया होता, यहाँ पे 100 होता, तो कंडीशन फॉल्स होती तो यहाँ पे इस तरीके से एसटीआर का जो एसटीआर में जो लिखा था स्मॉलर वो प्रिंट कर देता। क्लियर। नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक इन अ स्विच केस स्टेटमेंट। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज इंटीजर। नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन कैलॉक एंड मैलॉक, कैलॉक एंड मैलॉक में अंतर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ए। आंसर क्या होगा, ए। कैलॉक टेक इज सिंगल आर्गूमेंट वाइल मैलॉक नीड टू आर्गूमेंट। क्लियर। नंबर 5, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गेट फंक्शन। यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, आंसर इज ए, रीड अ करेक्टर फ्रॉम stdin। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, स्ट्रक्चर एंड यूनियन में क्या अंतर है, आंसर इज सी, द वे मेमोरी इज एलोकेटेड, यहाँ पे आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन सी, यहाँ पे आंसर इज सी, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एंड मॉडुलस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, डिसएडवांटेज ऑफ एरे इन सी, एरे का डिसएडवांटेज क्या है, आंसर इज सी, इट कैन स्टोर ओनली वन सिमिलर डेटा टाइप, आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9, इनवैलिड नेम ऑफ आइडेंटिफायर, यहाँ पे इनवैलिड क्या है, जो वेरिएबल में हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे आंसर इज सी। यहाँ पे हम जो वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं आइडेंटिफायर में, हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। क्लियर। जो नेम लिखना होगा यहाँ पे अंडरस्कोर लिख सकते हैं, फिर नेम लिख देंगे। यहाँ पे जो लिखा है टेस्ट, टेस्ट का यूज नहीं कर सकते वेरिएबल में, यहाँ पे एडिशन ये है, कंडीशन ट्रू ये सही है, वर्ड्स भी सही है, एंड ये भी सही है। अगर यहाँ पे हम नंबर लिखते पहले तो नंबर डिक्लेयर नहीं कर सकते, कॉलन या स्पेस का यूज नहीं कर सकते। नंबर 10, ड्यू टू वेरिएबल स्कोप इन सी, आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें देखें हम ट्रू फॉल्स, फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम, आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाई वैल्यू और डिफरेंस, आंसर क्या होगा, ट्रू। क्या यूनियन के सभी एलिमेंट्स के डेटा प्रकार एक जैसे होते हैं, आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14, वी कैन एलोकेट आ टू डायमेंशनल अरे डायनामिकली, आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। द फंक्शन फ्री फंक्शन इज यूज टू रिलीज द डायनामिकली एलोकेट मेमोरी बैक टू बैक हीप फॉर पॉसिबल रीयूज। फंक्शन फ्री का उपयोग, जो फ्री फंक्शन है, इसका उपयोग गतिशील रूप से आवंटित मेमोरी को वापस पुनः संभव उपयोग करने के लिए हीप हेतु जारी करने के लिए उपयोग किया जाता है, आंसर इज ट्रू। नंबर 16, इफ p इज अ पॉइंटर देन एक्सप्रेशन p इक्वल टू p प्लस 1 एड्रेस 1 टू द वैल्यू ऑफ p रिगार्डलेस ऑफ p इज टाइप, आंसर इज फॉल्स। द स्ट्रिंग बिल्बो बैगिंस मे बी स्टोर इन एन एरे ऑफ 13 कैरेक्टर, आंसर इज फॉल्स। टाइप डेप ऑफ एक प्रकार के ज्ञात डेटा को नया नाम देने के लिए उपयोग किया जाता है, आंसर इज ट्रू। द लाइफ टाइम ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आंसर इज ट्रू। आर द थ्री डिक्लेरेशन कैरेक्टर स्टार एप्पल कैर एप्पल एरे एंड कैरेक्टर एप्पल सेम, आंसर इज फॉल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हम मैचिंग का यूज करेंगे, आइडेंटिफायर में क्या होगा एम। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे क्या आंसर क्या होगा के। क्वेश्चन नंबर 23, गेट कैर मानक इनपुट डिवाइस का एक गुण होता है, इंटर अ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, आंसर इज 23 का आंसर क्या होगा जी। नंबर 24, रैंड फंक्शन, आंसर इज रिटर्न अ रैंडम पॉजिटिव इंटीजर, आंसर इज जे। कैर का आंसर क्या होगा, 25 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर इज सेंड अ करेक्टर टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, आंसर इज एल। क्वेश्चन नंबर 26,
ब्रेक, ब्रेक का यूज किस लिए किया जाता है? लूप को समाप्त करने या स्विच से बाहर निकलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आंसर इज ए। कंटिन्यू का यूज किस लिए किया जाता है? आंसर इज बी। एक लूप के माध्यम से वर्तमान पास को शेष बायपास करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वचालित चर ऑटोमेटिक वेरिएबल, यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ई। 29 क्वेश्चन, इंट पी कैर स्टार ए एरे, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट विच इज एन एरे ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 टाइप दैप, क्वेश्चन का यूज किस लिए किया जाता है? आंसर इज एप। अलाउ यूजर टू डिफाइन न्यू डेटा टाइप्स दैट आर इक्विवेलेंट टू एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स को यूज करेंगे। इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस टू अनदर वेरिएबल, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, पॉइंटर। नंबर 32, अ ग्लोबल वेरिएबल इज आल्सो नोन एज वेरिएबल, आंसर इज डी, एक्सटर्नल। नंबर 33, एक आर्गुमेंट को स्वीकार करता है जो वर्णों के लिए संकेत की एक सारणी है और एक पूर्णांक मात्रा के लिए एक सूचक रिटर्न करता है। एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट विच एन एरे ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू एन इंटीजर क्वांटिटी, यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज इंट आर पी कैर ए, तो आंसर इज क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 34, फंक्शन आर्गुमेंट सूची फंक्शन के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज पैरामीटर्स, आंसर इज जे। क्वेश्चन नंबर 35, सी फंक्शन में स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए प्रदान किया जाता है, आंसर इज एल, strcmp फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 36, एन इंटीजर वाइड स्पेस साइन डिजिट के रूप में एक कैरेक्टर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है, आंसर इज ई। 37, कंपाइलर में एरे मैसेज का अर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर के बाएं दाएं की ओर एक ऑब्जेक्ट मिसिंग है, आंसर इज एफ। नंबर 38, सर इज इक्वल एंड ऑपरेटर एंड आउटपुट ऑफ एंड ऑपरेशन इज ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड आर ट्रू, आंसर क्या होगा? आंसर इज एच, एंड ऑपरेटर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39, फाइल में एक वांछित बिंदु की स्थिति निर्धारित करता है, आंसर इज ए, एफ सीक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 40, कंटेन मेंबर हुज इंडिविजुअल डेटा टाइप मैनी डिफर फ्रॉम वन अनदर, आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, यूनियन, क्लियर। इन लोगों के जितने भी क्वेश्चन सही हुए हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।